जो राहुल गांधी के साथ हुआ वो विपक्ष वालों के सबके साथ होगा। सत्ताधारी लोगों के ऊपर भी मुकदमे हैं, उनमें भी सजाओं का वो है। कोविड के मुकदमे बहुत लोगों के ऊपर है जिन्होंने कोविड का उल्लंघन करा, लेकिन उन पर कुछ नहीं होगा। ये एक डराने की उसकी एक प्रक्रिया चल रही है। ये विपक्ष वालों पे सब पे आफत आएगी, या तो वे बीजेपी ज्वाइनिंग करेंगे उनके लोग, या जेल जाएंगे, उन पर मुकदमे दर्ज होंगे। विपक्ष को खत्म करने की बड़ी साजिश चल रही है देश में। जैसे किसान संगठनों को भी तोड़ने का काम सरकार कर रही है, नई नई किसान संगठन बनवा रही है, एसकेएम को तोड़ने का काम कर रही, जो भी आवाज देश में उठाएगा उसको दबाने का काम करा जाएगा। अभी कितना नुकसान हो रहा है फसलों का, इसके कोई फिजिकल सर्वे नहीं हुए। 10-15 दिन में ये गेहूं कट जाएंगे, इन किसानों को कुछ नहीं मिलेगा। गेहूं का नुकसान करीब 25-30-40% तक नुकसान है, और जो इसमें लेबर कॉस्ट आएगी वो बढ़ेगी। लेबर नहीं मिल रही अभी, क्योंकि गिर गए तो लेबर मिलती नहीं, उसमें झड़ाव कम होगा तो कॉस्ट बढ़ेगी। ये उनको कोई बताने वाला है नहीं। गन्ने का भुगतान बड़ी बेल्ट गन्ने की है, आपके ही मलकपुर शुगर फैक्ट्री है, ये बजाज वाली शुगर फैक्ट्री है, गन्ने का भुगतान पिछले साल का भी नहीं दिया, ये शुरू कराया अभी नवम्बर और उसका, मतलब एक तक साल में गन्ने का भुगतान। बिजली की समस्या, घोषणा पत्र में 5 साल के लिए बात करी है यार, ये मीटर लगाने की बात कर रहे हैं। सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर की घरों की है, इन्होंने फ्री देने की बात करी 1 साल। हमने कहा उसमें जो पुराना बिल है उस पर सरचार्ज छोड़ दें, किसान उसको जमा कर देगा, और जब तक इनकी सरकार रहे बिजली फ्री दे। अपने नए घोषणा पत्र में लेकर आए कि हम बिजली फ्री देंगे 27 के बाद में, या भाई चार्ज उसका लेंगे।